जी हाँ दोस्तों, मैच नंबर 22 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब की ड्रीम इलेवन फैंटेसी लीग की प्रिडिक्शन के बारे में बात करें तो 11 खिलाड़ी कौन से होंगे जिनको आप अपनी टीम में रखना पसंद करें। बात करें विकेट कीपर की तो विकेट कीपर के रूप में आप जॉनी बेस्टो को रख सकते हैं। जॉनी बेस्टो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स दिला सकते हैं आसानी से। बल्लेबाज के रूप में आप डेविड वॉर्नर, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग को रख सकते हैं। ऑलराउंडर के रूप में आप ग्लेन मैक्सवेल को रख सकते हैं। गेंदबाज के रूप में राशिद खान, मोहम्मद शमी, टी नटराजन और रवि को रख सकते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए विकेट कीपर के रूप में जॉनी बेस्टो और अगर ऑप्शन में केएल राहुल का नाम भी आता है तो केएल राहुल को भी चूज कर लीजिएगा। और बल्लेबाज की लिस्ट में आप डेविड वॉर्नर, मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग को रख लीजिएगा क्योंकि ऐसे बल्लेबाज हैं जहां दुबई की पिच है और विकेट जल्दी जल्दी गिरती है, जिसकी वजह से प्रियम गर्ग से लेकर मनीष पांडे सबको बल्लेबाजी का पूरा मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। और डेविड वॉर्नर अगर नहीं चलते हैं तो ये खिलाड़ी ऐसे होंगे जो टीम को काफ़ी मददगार साबित होंगे। ऐसे में अगर गेंदबाजों को मदद मिल सकती है तो रवि बिश्नोई और राशिद खान पर सबकी नज़रें रहेंगी क्योंकि स्पिनरों को काफ़ी मदद मिलती है दुबई की पिच पर। जो शाम 7:30 बजे मुकाबला आएगा वो दुबई के स्टेडियम से लाइव आएगा। ऑलराउंडर के रूप में आप ग्लेन मैक्सवेल को रखिएगा क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल की जिस प्रकार से फॉर्म चल रही है वो विकेट भी ले लेते हैं कादी और कभी कभार उनके बल्लेबाजी में भी अच्छा मौका मिल जाता है। और जिस प्रकार से मैदान है वहाँ पर तो उम्मीद ये भी की जा सकती है कि सभी बल्लेबाजों को यानी 6 से 7 बल्लेबाजों को आसानी से मौका मिल जाएगा। विकेट ही इतनी तेज़ी से गिरती है कि बल्लेबाजों को मौका आसानी से मिलता नज़र आता है। तो दोस्तों ऐसे में आप इन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ जाना पसंद करेंगे जो आपको हमने राय दी है। बाकी आप अपने आप में ही देख सकते हैं कि कौन से खिलाड़ियों का फॉर्म अभी तक अच्छा चला है क्योंकि यही एक ऐसे 11 खिलाड़ी हैं जो हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से दोनों ही टीम से अच्छे फॉर्म में नज़र आए हैं। इसी प्लेइंग 11 पर आप दाव लगाएंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ जीत पाएंगे। कैप्टन की बात करें तो दोस्तों आप कैप्टन राशिद खान को बना सकते हैं। ये विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं और विकेट अगर 3 ले ली तो आपके सोचे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और बल्लेबाज में आप मनीष पांडे को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। दुबई की पिच है, ये पिच मनीष पांडे के एकदम अनुकूल है बल्लेबाजी के लिए। जिस परिस्थिति से मनीष पांडे बल्लेबाजी करते हुए आए हैं उसी के हिसाब की पिच है तो मनीष पांडे को काफी मदद मिलने वाली है इस पिच से। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट।